नमस्कार साथियों, मैं हूं तेजपाल शर्मा और हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथियों, आज बात करेंगे हम एचटेट के रिगार्ड जो अधिगम का टॉपिक है उससे। और हमने कल एक टॉपिक किया था जो है फ्राइड का मनोविश्लेषण लैंगिक सिद्धांत, तो उम्मीद है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, तो आप यहां से देख सकते हो। हमारे चैनल पर वीडियोस में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास। एसटेट का एग्ज़ाम जो है 16-17 नवंबर को होने वाला है और आज जो है वो 25 अक्टूबर हो चुका है, तो बहुत कम टाइम है। तो इस कम टाइम में हम किस तरीके से करेंगे, वो एक रणनीति जो होनी चाहिए हमारे पास, उस प्रॉपर रणनीति से हम पूरे सिलेबस को हमारे इस चैनल पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियोस वगैरह आज मैं कोशिश करूँगा 4-5 टॉपिक पर डालूँ, तो जल्दी जल्दी हम करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है अधिगम, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम है क्या, मेन जो है शिक्षा मनोविज्ञान इस पर आधारित है, यानी जिस पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं वो सारा अधिगम है। अधिगम जिसको हम अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं और हिंदी में इसको हम ये सीखना कह सकते हैं, यानी कि सीखना कैसे हो, किस प्रकार आसान हो, किस प्रकार से जो है वो एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हो या उसको जो है रुचि बढ़ाने वाला हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम मनोविज्ञान के अंदर या साइकोलॉजी के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान को कुछ जैसे एक व्यक्ति हुए हैं गिलफोर्ड, और गिलफोर्ड ने कुछ कहा है अधिगम के बारे में। अधिगम क्या है, तो अधिगम क्या है, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये बात किसने कही है, ये बात कही है जेपी गिलफर्ड ने। तो ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि ऐसा एक बार पूछा गया था, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा जेपी गिलफर्ड की है। तो यानी कि व्यक्ति क्या करता है, सीखता है तो व्यवहार करता है, और वो व्यवहार के द्वारा ही अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। मान लीजिए एक बच्चों की क्लास है, उस क्लास के अंदर अध्यापक और बच्चों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, और अंतःक्रिया का परिणाम जो है वो क्या होता है, अंतःक्रिया का परिणाम अधिगम होता है। यानी टीचर से कुछ चीज़ें जाती हैं और वो बच्चे ग्रहण करते हैं, तो वो आपस में क्या हुआ, व्यवहार हुआ, और उस व्यवहार के द्वारा ही जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन का नाम क्या है, अधिगम है। तो ये जेपी गिलफर्ड ने कहा है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। चलिए अधिगम की विशेषताओं की बात करें, तो अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, अधिगम की विशेषताएं, तो देखिए सीधी सी बात, पहली बात तो ये होगी कि व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो देखिए परिवर्तन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है अनुकूल और दूसरा हो सकता है प्रतिकूल। यानी अनुकूल या इसको आप कह सकते हैं सकारात्मक, या प्रतिकूल या नकारात्मक भी कह सकते हैं। कैसे सकारात्मक या अनुकूल कैसे है, कि हमने टाइपिंग सीखा, हमने कुछ हाथ की कला सीखी, हमने कुछ याद करना सीखा, वो क्या है, अनुकूल या सकारात्मक अधिगम है। लेकिन अगर हमने चोरी करना सीखा, कोई बुरी आदत सीखी है, तो वो क्या है, प्रतिकूल अधिगम है। यानी व्यवहार में परिवर्तन दोनों प्रकार से हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक को हम कहेंगे अनुकूल, ये और प्रतिकूल को हम नकारात्मक को हम क्या कहेंगे, प्रतिकूल। यानी दोनों प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी विशेषता क्या है, कि व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास के द्वारा हो सकता है, अभ्यास के द्वारा परिवर्तन जो है वो हो सकता है। कैसे सॉरी तो अभ्यास द्वारा, देखिए जो थर्नडाइक हुए हैं उन्होंने मेन फोकस डाला है इस बात पर कि अभ्यास के द्वारा हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं। और पहले भी कहा भी गया है कि कर्त अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, ये बातें कही गई क्योंकि अभ्यास के द्वारा हम सीखते हैं। अब देखिए टाइपिंग है, टाइपिंग एक इस तरह का जो लर्निंग है जो अभ्यास से हो सकता है, तो उसके अंदर ऊपर आप अभ्यास करेंगे तो क्या है, आपको कीबोर्ड में देखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा जो है आपकी उंगलियाँ सीधी वहाँ जाती है, तो ये क्या है, अभ्यास के द्वारा सीखना है। और तीसरा जो है
परिवर्तन हो व्यवहार में, व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। लेकिन वो अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए, अर्थात परिवर्तन तो व्यवहार में परिवर्तन तो हमें भूख लगी है तब भी परिवर्तन होगा, तो क्या हम भूख को अधिगम कहेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते। प्यास लगी है तो उस चीज को हम अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो व्यवहार में परिवर्तन है वो अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। अगर व्यवहार में परिवर्तन स्थायी है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक अधिगम हो सकता है, लर्निंग हो सकता है। तो ये तीन मुख्य विशेषताएं हैं कि पहला व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन होगा, अधिगम जब होगा तो व्यवहार में परिवर्तन होगा, यानी कि हमारे पास पहले क्या था और उसमें क्या हमने उसमें जोड़ा है वो अनुकूल भी हो सकता है और वो प्रतिकूल भी हो सकता है। दूसरा अधिगम जो है वो अभ्यास के द्वारा हो सकता है। तीसरा अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, क्षणिक व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम अधिगम नहीं कह सकते, यानी अपेक्षाकृत कुछ स्थायी लंबे समय तक होना चाहिए उसी को हम जो है वो अधिगम कह सकते हैं। ये मुख्य विशेषताएं थी। अब देखिए इसके बाद में बात करेंगे हम अधिगम के प्रकार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपने कॉपी वगैरह लेके रखी है तो आप उसमें नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में बात करेंगे अधिगम के प्रकार की। पहला अधिगम का प्रकार हो सकता है गत्यात्मक। गत्यात्मक अधिगम यानी आप ये कहें कि जिसमें जो शरीर से सीखा जाता है, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा तो क्या आप साइकिल को चलाना सीख सकते हैं, लेकिन क्या वो आप बैठे बैठे किसी को देखते हुए, यानी कि आपने YouTube पर वीडियो देखा कि साइकिल को किस तरह चलाना है, क्या आप इस तरह से सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं सीख सकते, क्योंकि वो एक लर्निंग है, वो गत्यात्मक है, जो है आप ये कह सकते हैं शरीर से सीखने वाली चीज है। आप टाइपिंग सीखेंगे तो आप किसी को देखकर नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि जो शरीर से सीखा जाता है, जो फिजिकली रूप से जो सीखना होता है उसको हम कहते हैं गत्यात्मक। आप साइकिल पर बैठते हैं तो आपको जो है ऑटोमेटिक बैलेंस बनने लगता है, अगर आपको चलाना आता है तो, यानी आप अगर सीख गए तो वो ऑटोमेटिक आएगा, उसमें आपको बार बार कोई चीज देखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको टाइपिंग आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो है उसमें कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपकी उंगलियां जो है ऑटोमेटिक काम करेंगी। तो वो सीखना क्या है, गत्यात्मक सीखना है, या आप इसको कह सकते हैं, इसके दूसरे नाम है यांत्रिक अधिगम भी आप इसको कह सकते हैं। यांत्रिक अधिगम आप इसको कह सकते हैं, गतिक अधिगम आप इसको कह सकते हैं, शारीरिक अधिगम, यानी ये जो है इसके नाम है शारीरिक अधिगम भी इसको हम कह सकते हैं। ये इन सारे नामों से हम इसको पुकार सकते हैं क्योंकि ये शरीर के द्वारा होता है। दूसरा जो है वो अधिगम है संज्ञानवादी अधिगम। संज्ञानवादी अधिगम, अब संज्ञानवादी अधिगम में क्या होता है कि जो चीज हम दिमाग से सीखते हैं, जो चीज हम संज्ञान से यानी माइंड से, मन से जो चीजें सीखते हैं, ना कि फिजिकली रूप से, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो आपका संज्ञानवादी अधिगम होता है। जैसे आपने जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उनको सॉल्व करना सीखा, आपने गणित सीखा है, आपने किसी समस्या का समाधान करना सीखा है, आपने तर्क करना सीखा है, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें संज्ञानवादी अधिगम में आती है। जैसे तर्क करना, गणितीय संक्रियाओं को, गणितीय संक्रियाएं सुलझाना, या आप ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान करना, यानी कि जो चीजें दिमाग से करने वाली चीजें हैं, दिमाग से जो काम लेते हैं या दिमाग से जो चीजें सीखी जाती हैं, वो सारी चीजें आपकी संज्ञानवादी अधिगम में आती हैं। यानी अधिगम के दो प्रकार हैं। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो उसूबेल नामक एक विद्वान हुए, उन्होंने अधिगम के जो प्रकार हैं वो अलग अलग बताए, अधिगम किस किस प्रकार से हो सकता है वो चीजें। तो ये गत्यात्मक यानी गतिक रूप से, शारीरिक रूप से जो होता है अधिगम वो, और संज्ञानवादी वो जो तर्क आदि, यानी कि बिल्कुल हमारे जो संज्ञान से संबंधित है, जो हमें याद रखने वाली है, जैसे आपका ज्ञान है, आपकी तर्क शक्ति है, आपकी समस्या समाधान की शक्ति है, ये सारी चीजें जो है वो किसमें, संज्ञानवादी अधिगम में आती हैं। अब देखिए उसूबेल ने कुछ चीजें बताई हैं कि सीखना किस किस प्रकार का हो सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसूबेल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और एसटेट के रिगार्ड और सीटेट के रिगार्ड दोनों में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये। तो उसूबेल के अनुसार अगर पूछ ले कि सीखने की कितने स्टेप बताए उन्होंने, कितने प्रकार बताए, तो चार बताए हैं उसूबेल के
अनुसार। उस बेल के अनुसार अधिगम के जो प्रकार है उसमें पहला बताया उन्होंने अभिग्रहण। अभिग्रहण क्या है? अभिग्रहण आप इसको ये कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, कृत्वा अधिगम जो है वो, यानी एक प्रकार ये बताया है उस बेल ने कि आप जो है वो करके सीख सकते हैं। कोई काम है, जैसे बालक है और वो बालक, जैसे उसकी माँ खाना बना रही है और वो बालक बार बार तवे की तरफ जा रहा है, तो उसको कैसे करें, उसको जो है उसको जाने दें, वहाँ जो है वो चीज़ जब जाएगा और जब उसका हाथ लगेगा उसको पता चलेगा, यानी कि उसने करके सीख लिया कि ये चीज़ जो है वो जो है नुकसान पहुंचाने वाली है, तो वहां से वो डरेगा, यानी कि उसको अधिगम हो गया कि ये चीज़ें नुकसान देने वाली हैं या इससे जो है चोट वगैरह लग सकती है, तो वो चीज़ें सीखना है वो कैसा है, करके सीखना। या फिर क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, उसमें क्या करते हैं कि बच्चा खुद करता है और करके सीखता है, तो वो प्रोजेक्ट मेथड भी आपका ये कह सकते हैं। उस बेल के अनुसार जो अभिग्रहण है वो एक ही बात है, अभिग्रहण, ग्रहण करना, और अभि उपसर्ग लग गया तो इसने इसको विशेष अर्थ दे दिया, इसलिए आप ये कहेंगे करके सीखना, या आप इसको कह सकते हैं कृत्वा अधिगम, लर्निंग बाई डूइंग, यानी करके सीखना। दूसरा जो है इन्होंने बताया है अन्वेषण। अन्वेषण द्वारा, अन्वेषण का अशाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है, खोजना, यानी उसूबिल कहता है कि आप उस चीज को भी और अच्छे से सीख सकते हैं जो चीज आप खुद खोज कर सीखते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन को आपको पता नहीं है, लेकिन आपने उसको गूगल पे सर्च किया, किसी से पूछा, तो फिर वो क्वेश्चन जो आपका आंसर आपको मिलेगा, आपने अपने लेवल पर खोजा है, तो उसको आप जो है लंबे समय तक याद रख पाएंगे, क्योंकि ये खोजा है आपने खुद ने। यानी कि जब आवश्यकता होती है और आवश्यकता के बाद में कोई अधिगम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सीएस हल के अनुसार आप ये कह सकते हैं, सीएस हल ने जो बताया है उन्होंने भी यही कहा है अपने प्रबलन के सिद्धांत में कि आवश्यकता जब होती है, जब आवश्यकता होती है तब जो अधिगम होता है वो लंबे समय तक रहने वाला होता है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे उस उदाहरण में। तो ये अन्वेषण का जो सिद्धांत दिया, या ये कहें कि अन्वेषण एक प्रकार है उस बेल के अनुसार खोज कर सीखना, तो ये भी काफी प्रभावी होता है, जिसमें हम अपने जो आवश्यक जो चीजें हैं, जो हमने जानना होता है, चीजें अगर हमने खोज करके देखी है, खोज करके सीखा है, तो हम उसको और लंबे समय तक याद रखेंगे। और तीसरा है रटना। रट कर भी हम जो है अधिगम हो सकता है, जो उसने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है, जिसको अभ्यास वाला, यानी कि अभ्यास से सीख सकते हैं, अभ्यास का नियम जो दिया है उसके ऊपर जो है आधारित है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यह क्वेश्चन बन सकता है कि उसूबेल के अनुसार रटना जो है वो थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुसरण करता है, किस नियम को फॉलो करता है, तो ये अभ्यास वाले नियम को फॉलो करता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब किसी चीज को ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई याद नहीं हो रहे, तो आप उसको अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, वो चीज आप सीख जाएंगे, ठीक है, जैसा बिल्ली ने पिंजरे में सीखा था वैसा। अन्वेषण वाले की बात करें तो ये जो है ये सिद्धांत आपका सी एस हल का जो सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के साथ या उस सिद्धांत को अनुसरण करने वाला है। इसके बाद में चौथा जो है वो आपका सीखना क्या है, अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना यानी किसी चीज को सीखने के लिए पहले उसको समझना होता है, समझ कर सीखना आप इसको कह सकते हैं, यानी कि अगर ये बात आप देखें तो किस सिद्धांत का अनुसरण कर रही है, तो ये बात जो उस बेल की बात जो अर्थपूर्ण सीखने का जो प्रकार बताया है, ये जो है चिंपैंजी वाला उदाहरण जो था, जैसे उसमें जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग के आधार पर, जैसे चिंपैंजी ने सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था, उस प्रयोग के साथ जो है, उस सिद्धांत के साथ जो है ये काफी मैच करता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर, अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है सीखने का, उसका अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है ये अर्थपूर्ण सिद्धांत। तो ये चार प्रकार बताए हैं उस बेल ने, और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, क्योंकि एग्जाम में यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, और दूसरी बात हमने करना क्या होता है, एग्जाम में जो भी शब्द दिए होते हैं उन शब्दों के अर्थ को हमने समझना है, यानी कि शब्दों के अर्थ को अगर हम समझेंगे तो हमारा जो आधा काम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है वहां, और ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि हम शब्द हिंदी के शब्द उठपटांग वहां प्रयोग करते हैं, जैसे उपसर्ग वगैरह लगा दिए, प्रत्यय लगा दिए, तो इस तरह के शब्द जो है वो विशेष बन जाते हैं, और ऐसे शब्दों का अर्थ हमें समझना मुश्किल हो जाता है, या फिर इनको हम समझने की कोशिश नहीं करते, और परिणाम क्या होता है कि हम उस क्वेश्चन को गलत
कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद में उसको जो है वो अप्लाई करना है, उसके आंसर वगैरह, तो वो अगर हम करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे किसी बुक से करें, नोट से करें, तो हमने उस चीज में यही फाइंड आउट करना है कि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछ सकता है। एक लाइन पढ़ी तो उस एक लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी होती है। अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आप इस टेट को क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसको आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक इसके 1000 चैनल सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पाते तब तक इस जो है लाइव में नहीं आ सकता। इसलिए आप जो इसको जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ पर्सनली आप इसको कह करके इसको लाइक और सब्सक्राइबर इसके बढ़ाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगला टॉपिक किस टॉपिक पर बनाना है वो भी आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं, किस टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी है, वो टॉपिक हम जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे। और इस सीरीज में आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगा मैं, और ताकि आपका एग्जाम रहते समय रहते आपके अच्छे से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।